सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित रेक। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। गाइस, टाइटल और थंबनेल पढ़ कर तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। बाय द वे, अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड मतलब कि भूल रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा याद है, अगर आप उसको चेंज कर देंगे आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, हम इसी के बारे में आज वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। सो गाइस, मैं आपको सिंपल सही से बताऊंगा, ऐसी ट्रिक आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा और इजी आपको बताऊंगा, इजी आपको मेरा टाइम वेस्ट किया है, मैं आपको बताऊंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। और कुछ यूट्यूबर होते हैं बताते हैं मतलब कि आपको वहाँ बहुत सारे झंझट मतलब कि बहुत वहाँ दिक्कत होती है चेंज करने में पासवर्ड पावर, वहाँ पे आपका नेट ख़त्म होगा, MB ख़त्म होगी और आपका पासवर्ड चेंज होता है। तो मैं अपने तरीके से इजी तरीके से बताऊंगा अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किसी वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रोहित ट्रैक। तो और हम वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को कर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और साथ में इंस्टाग्राम को कर लीजिए फॉलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन करना हो DM करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक को आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सो गाइस, मेरा क्रोम ब्राउजर इस तरह सिंपली से ओपन हो गया है, इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, आपको सिंपली से अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। मैं सिंपली से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो सो गाइस, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम लॉगिन हो चुका है क्रोम ब्राउजर में, और आपको भी सिंपली से अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको सही से बताऊँगा, बिना टाइम वेस्ट किए बताऊँगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, सिंपली फाइनल लॉगिन हो चुका है। फिर आपको सिंपली से एक कोने वाला जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सो गाइस, अगर आप चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर देखना है चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद बहुत आसान तरीका है इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करने का, लेकिन क्रोम ब्राउजर में बहुत आसान तरीका है। अगर आप जाएंगे इंस्टाग्राम अकाउंट से जाएंगे वहाँ पे आपका जो नेट पैक होता है वहाँ पे बहुत खर्चा होगा फिर, और वहाँ पे हल्दी मतलब कि हल्दी अपडेट नहीं होता है आपका पासवर्ड। सो गाइस, क्रोम ब्राउजर आप करते हैं आपका बहुत मतलब कि ईजी हो सकता है, ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका पहले वाला पासवर्ड आपको पता है, पुराना वाला पासवर्ड पता है, मैं आपको सिंपली से पुराना वाला पासवर्ड भर देंगे। तो मैं सिंपली से अपना पुराना वाला पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ, अपना पासवर्ड इसमें। सो गाइस, मैंने सिंपली से इसमें अपना पासवर्ड फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आपको सिंपली से चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। अगर भी नहीं चेंज हो रहा है तो आपको सिंपली से फॉरगेट पर कर देंगे। आपके नंबर से अगर अकाउंट क्रिएट होगा, खुला होगा, तो आप वहाँ से नंबर आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीका, देखिए मैंने आपको बता ही दिया, क्रोम ब्राउजर अगर आप करते हैं तो बहुत ईजी है करने का। सो गाइस, आप इस तरह से कर देंगे तो चेंज पासवर्ड क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और ये न्यू पासवर्ड आप डाले हैं उसी को आपको याद कर लेना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।